अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। और कल का जो वीलॉग है वो तो यार सफर में कट गया, और मुझे लगा था कि जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपके साथ ऑडिट की जो है ना वो भी शेयर करेंगे, लेकिन जैसे ही पहुँचे हैं भाई ऑडिट ने ऐसा घेरा है कि काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था। तो कल का तो वीलॉग तो समझ लें कि वो एक ट्रैवलिंग वीलॉग ही बन गया है, क्योंकि उसमें आपको काम शाम तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन रात को आपका भाई जो है वो देर रात तक काम लगा रहा है, और जब बस हुई है तब सो गए हैं, और जिन कपड़ों में आए थे अभी भी उन्हीं कपड़ों में हैं। आज भी बस उठे हैं, उठाया गया, नाश्ता किया और फिर अपने काम पे लग गए, क्योंकि यार काम ख़त्म करेंगे यहाँ से तो घर जाएंगे। तो अभी भी भाई स्टॉक टेक चल रहा है, ये देखिए मार्बल फैक्ट्री है, स्टॉक टेक चल रहा है, ये देखिए लोग लगे हुए हैं स्टॉक टेक करने में। तो मैं अंदर काम कर रहा था, मौसम चेक करें। सुभान अल्लाह, रात का बड़ा मज़ेदार मीठा मीठा सा मौसम हुआ है। तो पर यहीं घूम फिर रहे हैं, स्टॉक करवा रहे हैं, स्टॉक होगा तो फिर हमारा काम भी ख़त्म होगा। स्टॉक करवा लें फिर देखते हैं आगे क्या करना है। आपको सबसे मज़े की चीज़ दिखाता हूँ यहाँ की, कि ये सारी फैक्ट्री है, ठीक है, सामने रोड है, और ये चेक करें ये गंदम लगी हुई है अपनी, ये साथ इधर पट्ठे शट्ठे लगे हुए हैं, फुल ग्रीनरी माहौल है। और इस फुल ग्रीन माहौल में ये फैक्ट्री, और जब ऐसा मौसम होता है ऐसे नज़ारे होते हैं, चेक करें। तो वो भाई लोग जो सामने काम कर रहे हैं उनको मज़े ही आ जाते होंगे, खैर उनको क्या मज़े आने हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं, मज़े तो हमें आ रहे हैं। चस्कर आ रहा है मौसम, और गंदम भी जो है वो कटाई के लिए बिल्कुल तैयार है, गोल्डन गोल्डन हुई भी है। ये उन बर्गर बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी गंदम नहीं देखी, तो भाई ये ऐसे होती है गंदम, ठीक है, आटा ही नहीं होता सिर्फ, गंदम पहले ऐसी होती है, गोल्डन होती है, फिर कटाई होती है, फिर उसके बाद जो है ना आपको आटा मिलता है, वो भी फैक्ट्रियों वाले आपको आटा पता नहीं क्या बना के बेचते हैं। चस लें ज़रा, मौसम की नज़ारा लें। एक फैक्ट्री को ऑडिट करने के बाद अब हम जा रहे हैं यार दूसरी फैक्ट्री, क्योंकि दो मार्बल फैक्ट्रीज का हमने ऑडिट करना है, तो इसलिए अब दूसरी फैक्ट्री पहुँचते हैं और उसका भी जो है वो स्टॉक टेक करते हैं, और फिर वहाँ से और चीज़ें लेते हैं। भाई आपका दूसरी फैक्ट्री भी पहुँच गया, और यहाँ पे भी आके काम ही चलता है भाई। ये चेक करें, ये चेक करें, ये किताबें शिताबें खुली हुई हैं, ये बाहर का माहौल है। गर्मी बढ़ गई है, शुक्र है स्टॉक टेक नहीं करना पड़ रहा इस गर्मी में। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी फैक्ट्री का भी यार स्टॉक टेक हो गया है, और जो हमें डेटा यहाँ से चाहिए था हमने वो सारा डेटा ले लिया है। अब पहली फैक्ट्री में पहुँचते हैं और चल के वो सारा डेटा कंपाइल करते हैं ताकि हम काम ख़त्म कर सकें। जितनी जल्दी ये काम ख़त्म होगा उतनी ही जल्दी हम वापस जो है ना वापसी के लिए निकल सकेंगे। इस वक्त सीरियस डिस्कशंस चल रही हैं भाईजान, क्योंकि खाते हमने सारे कंपाइल कर लिए हैं, सब कुछ हो गया है, सब कुछ सामने आ चुका है। तो अभी डिस्कशंस चल रही हैं इनके साथ कि भाई आप लोगों ने क्या किया है क्या नहीं, और एक एंट्री ऐसी है जिसको लेके हम लोग बैठे हुए हैं, दिमाग खपा रहे हैं, अभी भी उसी का मसला चल रहा है, उसी को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या हुआ है उसका। तो बैठे हुए हैं बाहर देख रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी हुई है, सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 4, और भाई आपका ऑडिट से वेला हो गया है, और अब बस का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ से निकलें। बारिश हो रही है यहाँ पे, और ज़रा माहौल चेक करें, नज़ारे चेक करें, अल्लाह ने क्या माहौल बनाया हुआ है, और क्या ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, मज़े ही आ गए हैं। भाई आपका रोड पे खड़ा है बस के इंतज़ार में, बस आती है तो निकलते हैं, और एक सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ ये है कि हमने अपनी बेगम जान को सरप्राइज़ देना है अभी जा के, तो अभी गाड़ी आएगी तो जाएंगे बेगम जान के पास, उन्हें सरप्राइज़ देंगे। तो मिलते हैं आपसे, ज़रा गाड़ी आ जाए फिर आपसे मुलाकात होती है गाड़ी के अंदर बैठ के। भाई साहब आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े खड़े रोड पे, लेकिन मजाल है कोई गाड़ी आ रही हो, मुझे तो लगता है बेगम को क्या सरप्राइज़ देना है, मुझे ख़ुद सरप्राइज़ मिल गया। ये देखें 4:30 हो गए, 4 बजे का मैं यहाँ खड़ा हूँ,
कि भाई को गाड़ी आ जा कोई गाड़ी, लेकिन ना कोई सीन ही नहीं है किसी गाड़ी का। अल्लाह से दुआ करते हैं कि गाड़ी आ जाए अगले को 5-10 मिनट में, वरना तो बस हो चुकी है यार, बहुत बस हो चुकी है। बस ये इस एक नज़ारे ने जो है ना वो भाई आपके को खड़ा रखा हुआ है। ये नज़ारे को देख रहा हूँ और बस का इंतज़ार करी जा रहा हूँ, अगर ये नज़ारा भी ना होता तो भाई जान मुश्किल हो जानी थी, बहुत मुश्किल हो जानी थी। आ जा भाई बस आ जा, मेरी बस हो गई आ जा। नए दिन का आगाज़ हो गया है लेकिन भाई जान हमारी बस नहीं आ रही है। मुझे तो लगता है सूरज चढ़ जाना है फिर भी बस नहीं आनी अपनी, क्या ही किस्मत है यार। मतलब पहले इतनी ख्वारी हुई ऑडिट में और अब बस भी ख्वार ही कर रही है। ओ भाई आजा, सवेर हो गई है आजा भाई। फाइनली यार एक गाड़ी हमें नज़र आई है, ठीक है हमने उसे रोका है और भागते दौड़ते जो है ना उसमें चढ़ गए हैं इससे पहले कि ये भी निकल जाती। अब पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। हाँ जी, तो भाई आपका क्या है पहुंच, लेकिन एक दुख की बात है इसके आगे मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा और जो सरप्राइज़ है वो आप लोगों के लिए सरप्राइज रह जाएगा, लेकिन कोई नहीं फिर कभी सही। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपने कभी अपनी बीवी को या अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ दिया है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।